वाराणसी में पीपीई किट और फेस शील्ड मास्क वाले कान्हा जी की डिमांड। बाजार में इस जन्माष्टमी कोरोना से बचाव का संदेश दे रहे लड्डू गोपाल। मास्क लगाए कान्हा जी का लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में एक साथ मिले 22 कोरोना के मरीज। बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद लोगों में मचा हड़कंप। मंदिर परिसर को सील किया गया। पीलीभीत में जन्माष्टमी के मौके पर जेल में बनते हैं भगवान कृष्ण के कपड़े। हिंदू मुस्लिम सभी कैदी बनाते हैं भगवान कृष्ण की पोशाक। पीलीभीत की बाजार में नहीं आया दिल्ली का मान। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बाहर न के बराबर भीड़। भक्त बाहर से ही माथा टेक कर वापस लौट रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में भगवान कृष्ण को पहनाई जाने वाली पोशाक हो रही है तैयार। मथुरा में हिंदू मुस्लिम मिलकर तैयार कर रहे हैं पोशाक। गाजियाबाद के राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में जहां हर साल जन्माष्टमी के कार्यक्रम में लाखों लोग इकट्ठा होते रहे हैं, लेकिन इस बार डिजिटल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार भक्त अपने भगवान को लाइव यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। मंदिर के दानकर्ताओं को विशेष रूप से जूम ऐप आईडी दी जाएगी। बांदा के बस स्टैंड के सामने यात्रियों ने चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का मामला। झांसी के इलाहाबाद बैंक चौराहे पर लुटेरों का आतंक देखने को मिला है। सोमवार को दो स्कूटी सवार ने एक राहगीर का सरेआम मोबाइल लूट लिया। सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद हो गई है। पीड़ित ने काफी दूर तक दोनों का पीछा भी किया, बाद में उसने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। प्रयागराज के कीड़गंज थाना क्षेत्र के इंदरपुरी कॉलोनी न्यू बहराना में शातिर चोरों ने किन्नर अखाड़े की मां मंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां के आवास में लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने घर के कई दरवाजे और खिड़कियां भी तोड़ डाले। लाखों रुपए दान पात्र से और अन्य कीमती सामान ले गए चोर। सीसीटीवी फुटेज में चार शातिर चोरों की तस्वीरें हुई कैद। कौशाम्बी में दो युवकों को अवैध तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बताया जा रहा है ये वीडियो पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के उजानी गांव के ग्राम प्रधान के भतीजों का है। बरेली जिला पंचायत में गोली चलने से एक क्लर्क जख्मी, निजी अस्पताल में भर्ती है महिला क्लर्क। जिला पंचायत में अपर निदेशक कार्यालय में चली गोली, लेखागार महावीर सिंह पर गोली चलाने का आरोप। मामले को पुलिस से छिपाने में लगा विभाग। बागपत में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती के घर पर किया पथराव। आरोपियों ने अपने मकानों की छतों पर चढ़कर बरसाए ईंट पत्थर। युवती समेत 6 लोग घायल। जौनपुर में दबंगों के कहर का वीडियो आया सामने। जमीन से जुड़े विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। मारपीट में कई लोग हुए घायल। जांच में जुटी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली में लालगंज कोतवाली के NH-232 गोविंदपुर वलौली गांव के पास तेज रफ्तार डीसीएम और बाइक सवार युवक की भीषण टक्कर। टक्कर के बाद डीसीएम में लगी आग। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बने एटीएम में लगी आग। दो एटीएम जलकर हुए खाक। एटीएम के साथ लाखों के नोट भी जले। औरैया में बारिश के बाद अधिकारियों के आवास पे दफ्तर में घुसा पानी। पानी भरने के बाद नगर पंचायत की खुली पोल। बिजनौर में नदी के उफान ने एक बार फिर एक गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से बचने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर ने सवारी से भरी कार को नदी से गुजारने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव में गाड़ी बहती चली गई। बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। सहारनपुर में जोरदार बारिश के चलते मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें 3 बच्चे दब गए। गांव के लोगों ने तीनों बच्चों को मिलकर निकाला। 3 बच्चों में 2 बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में बाढ़ से 17 जिलों के लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। ऊंचे बांधों पर शरण लेने वालों की मदद के खूब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकारी मदद के नाम पर उन्हें केवल एक प्लास्टिक मिली है। राशन, दवा और दूसरी सुविधाओं का अब तक इंतजार है। उत्तराखंड के टिहरी जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या 94 पर पहाड़ टूट कर गिर गया। काफी देर तक पहाड़ से मिट्टी और पत्थर गिरते रहे। कर्नाटक के कोडगु में भीषण बारिश की वजह से एक पुल टूट गया। पुल टूटने से आसपास के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। उत्तराखंड में आसमानी आफत से दहशत में लोग। लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पानी ही पानी। मंदिर जाने के रास्ते हुए बंद। श्रद्धालुओं ने घंटों इंतजार के बाद किए दर्शन।
मूसलाधार बारिश से मसूरी में कैंपटी फॉल में बढ़ा पानी, पहाड़ से फूटने लगा पानी का बड़ा फव्वारा, आसपास की दुकानों और मकानों को खतरा। उत्तराखंड में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, जगह जगह दरक रही हैं पहाड़ियां। बद्रीनाथ हाईवे पर टूटी पहाड़ी का गिरा मलबा, टंगड़ी के पास हाईवे बंद। केरल के कासरगोड जिले में तेजस्वी नदी उफान पर, बाढ़ का पानी कई इलाकों में भरा, प्रशासन की मदद से 300 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरल में कोट्टयम जिले में बाढ़ का कहर, इरुमेली में मशहूर धर्मस्थ मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा, केरल के कोट्टयम जिले में बाढ़ का कहर। केरल के कोट्टयम में मीनाचिल नदी उफान पर, कई इलाकों में पानी भरा, किसानों का भी भारी नुकसान हुआ, बाढ़ से तबाही में डूबा हुआ है केरल। हाथरस में भारी बारिश के बाद कई जगह में जल भराव, बारिश से नाला उफान पर, जिससे सदर कोतवाली में भरा पानी, कोतवाली में पानी भरने से पुलिस वालों को हो रही परेशानी। लखीमपुर खीरी में जोरदार बारिश के बाद नेपाल बॉर्डर के किनारे कई गांव में भरा पानी, कोतवाली तिकोनिया इलाके में भरा पानी, सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों में भी घुसा पानी, भारी दिक्कतों का सामना कर रहे लोग। अम्बेडकर नगर में घाघरा के तांडव से अपना सब कुछ खोए करीब 800 परिवारों को जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से मिली मदद, टांडा तहसील क्षेत्र में 5 गांव के करीब 1000 परिवार बाढ़ से थे परेशान, सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ साथ पशुओं के लिए चारे का भी किया गया वितरण। रामनगर में उफनते नाले को पार करने में बचे 2 लोग, काला ढूंगी के मैथी सह नाला उफान पर बाल बाल बची 2 लोगों की जान। रामनगर में लगातार बारिश से पिरमोली नाले में बहा बाइक सवार, पास खड़े कुछ युवकों ने बाइक सवार की बचा ली जान। यूपी में आसमानी आफत से सब हाल बेहाल, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर हर जगह जलभराव से लोग परेशान, पूरा शहर हुआ जलमग्न, लोगों ने कहा पहली बार हुआ इतना बुरा हाल। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में हुआ निधन, कोविड पॉजिटिव थे राहत इंदौरी, 70 साल की उम्र में हुआ निधन, शाम 4 बजे हार्ट अटैक से हुआ निधन। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़े। शहर में बाइक सवार मनचलों की छेड़खानी के दौरान विदेश में पढ़ रही छात्रा सुदीक्षा भाटी के सड़क हादसे में मौत, पुलिस केस दर्ज कर मनचलों की तलाश कर रही है। सुदीक्षा इंटर बोर्ड की टॉपर थी, सुदीक्षा को 3,80,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी, वह स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ रही थी। सुदीक्षा की मौत पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दुख जताया, यूपी सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सुदीक्षा की मौत पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा मनचलों ने हत्या की है। यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे तमाम अभियान, फिर भी नहीं रुक रहा अपराध। सुदीक्षा की मौत के बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है, दादरी विधायक तेजपाल ने कहा कि वो परिवार को न्याय दिलाएंगे, उन्होंने बताया कि वो लगातार अफसरों के संपर्क में हैं। बागपत में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, 3 अज्ञात बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम, मॉर्निंग वॉक पर अपने खेत पर गए थे संजय खोकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय खोकर की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का निर्देश जारी किया है और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया गया है। गाजीपुर के शेखपुर गांव में विकास के लिए आए लाखों रुपए में ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर कर 9 चेक के माध्यम से बैंक से करीब 9,00,000 रुपए निकाले गए, ग्राम प्रधान ने शिकायत की लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है, महिला ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं गबन और ठगी को अंजाम दिया। हाथरस में 17 आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे टॉप 10 लिस्ट में शामिल शातिर अपराधी को नशीले पाउडर, अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने शातिर अपराधी के पोस्टर लगवाए थे, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर हरिओम को धर दबोचा। हमीरपुर बुजुर्ग महिला के घर के अंदर धारदार हथियार से गला काट कर हत्या, महिला की उम्र 60 साल थी,
जिसकी उसी के घर में गला काट कर हत्या कर हत्यारे फरार हो गए। जौनपुर में मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर गांव में एक युवा की हत्या कर हत्यारों ने शव जमीन में दफनाया। पुलिस ने शव को बाहर निकाल कर जाँच शुरू की, हत्यारों की तलाश जारी। कानपुर देहात में बीएसए को जान से मारने की मिली धमकी, बेसिक शिक्षा अधिकारी को फोन पर दी गई धमकी। गोविंद नगर के विधायक के नाम पर दी धमकी, शिक्षकों की मनमानी तैनाती का बना रहा था दबाव। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, कॉल सेंटर से 12 युवतियां गिरफ्तार, 2 दर्जन मोबाइल, 2 दर्जन सिम कार्ड और 2 लैपटॉप भी बरामद। पुलिस की टीम कॉल सेंटर के मालिक की तलाश में जुटी। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मसूरी के कई क्षेत्रों में बारिश के बाद भारी नुकसान, कई जगह मलबा आने के बाद सड़कें ध्वस्त। उधम सिंह नगर वार्ड नंबर 3 में बने कंटेनमेंट जोन में लोगों का कोरोना सैंपल ले रहे लैब असिस्टेंट के साथ एक युवक ने की मारपीट, एसएसपी ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा फैसला, किसी भी कैदी को जेल ले जाने से पहले कराना होगा कोविड टेस्ट, तो होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस भी जारी। हरिद्वार में अगले साल होने जा रहे महाकुंभ को लेकर देहरादून में मीटिंग हुई, कुंभ के सभी कामों को पूरा करने के लिए अब 15 अक्टूबर तक डेडलाइन तय कर दी गई है। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि दिसंबर के लिए किसी भी निर्माण कार्य को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित मुनस्यारी इलाके में हालात अभी तक नहीं सुधर पाए हैं। धारचूला के गलाती गांव में पिछले 10 दिन से अभी भी सरकारी मदद नहीं पहुंची है, हालांकि अधिकारी जरूर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। भूस्खलन की वजह से केदारनाथ हाईवे 2 दिनों में बांसवाड़ा में बंद, हाईवे पर बरसात की तरह गिर रहे हैं पत्थर, केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी हो रहा है भूस्खलन। देहरादून में लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है, देर रात से बारिश होने से कई घरों में पानी घुस गया है, बारिश से बड़ी लोगों की मुसीबत। हल्द्वानी में बरसात से जनजीवन प्रभावित, पहाड़ों में हुई बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ा, लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। रुद्रप्रयाग के विकासखंड जखोली के सिरवाड़ी गांव के ऊपर बादल फटने से गांव में भरा मलबा, गांव को जोड़ने वाली सड़क भी टूटी, कई हेक्टेयर खेती युक्त जमीन बर्बाद। मसूरी कैंपी रोड भारी बारिश और पेड़ गिरने के कारण बंद, रोड खोलने के लिए लाई गई जेसीबी बीच सड़क पर पलटी, सड़क पर लंबा जाम। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 22,68,000 से ज्यादा हो गई है, कल एक दिन में 53,601 नए मरीज सामने आए हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। बस्ती के जिला जेल में शिविर लगाकर की गई जांच में 191 बंदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,374 हुई, अब तक 800 मरीज पूरी तरह से हुए ठीक। कोरोना की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा शुरू हुई, लैपटॉप पर ही ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा और ऑनलाइन ही कॉपी जमा करानी होगी, हालांकि इसमें कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मस्तिष्क में जमा खून का थक्का निकालने की जीवन रक्षक सर्जरी सफलतापूर्वक होने के बाद उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हॉस्पिटल ने बताया इस सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है प्रणब मुखर्जी का कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। देश में 22,68,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, एक दिन में करीब 53,601 नए कोरोना संक्रमित मरीज, अब तक 47,746 मरीज ठीक होकर लौटे घर। दुनिया में कोरोना के केस 2 करोड़ के पार, 1,28,00,000 लोग ठीक होकर लौटे घर, करीब 7,34,000 लोगों की कोरोना से हुई मौत। रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है, मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की घोषणा, कहा हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। पुतिन ने कहा दोनों बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूस में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 4,945 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,97,599 हो गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 700 से अधिक संक्रमितों की मौत हुई है।
देश में पिछले 24 घंटे में 22,048 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,57,470 हो गई। कांग्रेस से बगावत के एक महीने के बाद सचिन पायलट की घर वापसी हुई है। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बॉर्डर से मुलाकात के बाद पायलट के गिले शिकवे दूर हुए हैं। सचिन पायलट की शिकायतों को दूर करने के लिए पार्टी ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है, मजबूत बनाता है। SRMB TMT बार, घर से हो जीत की शुरुआत। आ गया 32 आयुर्वेदिक तत्वों से बना नया डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट। डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। दवा इंडिया आई है, यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। पता है, अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। GD Goenka University is a gold-rated university by QS Rankings. Ranked number 1 in India among top emerging engineering and management institutes by Times of India, GD Goenka University celebrating 25 years of excellence in education. ABP Ganga, khabar aapki, zubaan aapki. आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार होकर गांव लौटे लोगों के लिए मनरेगा योजना को जारी रखना जरूरी बताया और कहा कि इससे बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। राम मंदिर के मॉडल के बाद अब टाइम्स स्क्वायर तिरंगा रोशनी में सराबोर होने को तैयार है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराने का फैसला लिया है। ब्रिटेन में 21 अगस्त को नीलाम होगा बापू का चश्मा। बापू ने दक्षिण अफ्रीका में किसी को मदद के बदले दिया था चश्मा। सप्ताह में कारोबार के दूसरे दिन BSE सेंसेक्स 224 अंक और निफ्टी 52 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में 5% की गिरावट रही, 225 अंक ऊपर 38,407 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 52 पॉइंट के उछाल के साथ 11,322 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। बैंकिंग शेयरों में उछाल। मंगलवार को देश भर के सराफा बाजार में सोमवार के मुकाबले सोने के भाव में करीब 1,000 रुपए की कमी आई है। मंगलवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 987 रुपए गिरकर 54,528 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी का हाजिर भाव 1,254 रुपए प्रति किलो के नीचे 72,354 रुपए पर खुला। IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए BCCI ने जारी किया टेंडर। चीनी कंपनी वीवो को हटाया गया है। IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए BCCI ने जारी किया टेंडर। चीनी कंपनी वीवो को हटाया गया है। IPL की टाइटल स्पॉन्सर के लिए कंपनियों को 14 अगस्त तक BCCI को बताना होगा। 18 अगस्त है बिड जमा करने की आखिरी तारीख। एक महीने में ICC का नया चेयरमैन चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई ICC की बोर्ड मीटिंग में हुआ फैसला। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए भारतीय हॉकी टीम का नेशनल कैंप 20 अगस्त से शुरू होना है। 4 अगस्त से खिलाड़ी बेंगलुरु में क्वारंटीन हैं। 20 खिलाड़ियों का टेस्ट किया गया, 6 पॉजिटिव निकले। फॉरवर्ड प्लेयर मनदीप सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल सामान्य से काफी कम है। भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी गर्लफ्रेंड धनश्री वर्मा से सगाई कर ली है। धनश्री की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वहीं सगाई से लोग भी सरप्राइज हो गए हैं।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सभी पक्षों से 13 अगस्त तक लिखित जवाब मांगा है। रिया ने सुशांत के पिता के सिंह की तरफ से पटना में दर्ज कराए गए केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई थी। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के बाद अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर रिया चक्रवर्ती के समर्थन में उतरी हैं। उनका मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती को एक खतरनाक मीडिया ट्रायल का शिकार बनाया जा रहा है। सुशांत की मौत के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये खबर भी सामने आई है कि रिया की महेश भट्ट से लगातार बात हो रही थी। अगर महेश भट्ट और रिया वाकई संपर्क में थे तो ये काफी चौंकाने वाली बात है। दोनों के बीच आखिर क्या बात होती थी, ये भी जांच का विषय है। खबर है कि 8 से 13 जून के बीच 16 बार रिया की महेश भट्ट से बात हुई थी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर बयानबाजी करने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा होगा। सुशांत के चचेरे भाई और भाजपा विधायक नीरज बबलू ने इसकी पुष्टि की है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और उनके भाई से कल मुंबई में ईडी ने दूसरे राउंड की पूछताछ की। इन तीनों से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। कल हुई पूछताछ में रिया ने अपने 4 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न के कागज ईडी के सामने रखे। रिया की आय 66 लाख से कम, सुशांत के 15 करोड़ गायब करने का है आरोप। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और रिया के सीए रितेश शाह से भी ईडी ने पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी और रितेश शाह से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद अंकिता लोखंडे काफी दिनों से सदमे में थी। लंबे वक्त बाद उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है। ये मुस्कान उनके परिवार में आए दो नन्हे मेहमानों की वजह से आई है। ये बच्चे अंकिता लोखंडे के बॉयफ्रेंड विकी जैन की बहन के हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक जैकलीन फर्नांडिस का जन्मदिन आज। 35 साल की जैकलीन का जन्म बहरीन में हुआ था। जर्नलिस्ट बनना चाहती थी जैकलीन फर्नांडिस, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट ने बदल दी उनकी जिंदगी। 2006 में उन्होंने मिस यूनिवर्स श्रीलंका का पेजेंट जीता था। दबंग 3 में विलेन बन चुके किच्चा सुदीप की फिल्म फैंटम का पोस्टर सामने आया है। गैंगस्टर के किरदार में दिखेंगे सुदीप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म होगी जोगीरा सारारा। नवाज के साथ एक्ट्रेस नेहा शर्मा आएंगी नजर। टी सीरीज के गाने पछताओगे का फीमेल वर्जन भी आएगा। गाने में नोरा फतेही दिखेंगी। पिछले साल विकी और नोरा का ये गाना कामयाब रहा था। फिल्म खुदा हाफिज का नया गाना मेरा इंतजार करना रिलीज। 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। बिग बॉस में नजर आ चुके आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का गाया म्यूजिक वीडियो दिल को मैंने दी कसम रिलीज। वीडियो में क्रिमिनल बने हैं आसिम। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 1 साल के लिए टली। अब अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी फिल्म।